अमृतपाल ते केड़े केड़े परचे आ, कृपा करके सरकार दसे लोगों नूं वी इह बड़े वड्डे अपराधी आ, इन्हां नाल तालमेल ना रखियो, इन्हां दी सपोर्ट ना करियो, इन्हां दा नां ना लैयो। सानूं तां इस गल दा नहीं पता लग्गिया जिहदे करके सानूं 10 दिन जेल च लाउणा पए। ते सरकार दी नलायकी आ, मैं सरकार नूं डरपोक वी कहिंदा, प्रशासन कहर है, सरकार डरपोक है। निशानियां की है, निशानियां सुन लो। जदों साडे ते कोई समस्या होवे ही ना, प्रॉब्लम होवे ही ना, ते असीं रौला पाई जाइए भी बड़ा औखा हो गया जी, पंजाब च बड़ी गड़बड़ है जी, ते असीं अमृत शाह दे पैरां च जाके बह जाइए भी थोड़ी जी फौज घल। कादे वास्ते? अमृतपाल नूं फड़न वास्ते। 80,000 बंदा पंजाब दे विच लाया जांदा है ते अमृतपाल फड़िया नहीं जांदा। उहदे ते केस की है? 23-24 26 होगा, 307 लाती होगी। गद्दा यह है जिन दिशा तो भटकी हुई सरकार, कदे तो इन्हों के मन च यह आ जाता है कि राजे हैं यार, कोई गल जी नहीं बनती, हरेक ही बोली जाता है। इस वास्ते थोड़ा डर का माहौल बनाओ, दहशत जी पाओ, फौज लाओ पिंडां दे विच, आ करो आ करो, तां जो यह दबा के जी रखे जाण। किते अथ ने कह दिंदे आ हुण असीं गुरद्वारिआं दे ग्रंथियां दे आखे सरकार चलावांगे, ते फिर तड़के आपदे अफसर भेजे जांदे आ अकाल तख्त ते। वेखो जी, असीं 360 बंदे फड़े सी, 348 असीं रिहा करते, ते जे तुसीं गुरद्वारे ग्रंथियां दे आखे नहीं सरकार चलाउंदे, ते उहनां नूं जवाबदेही कादे वास्ते देण जांदे आ तड़के? तां इस तों मैनूं लगदा कि सरकार डरी है, उहनां तों संभल नहीं पा रिहा। बोलण ते जे 10 दिन जेल रहना पऊगा तां बई जी जेल भरूगी, बोलांगे वार वार, भावें जेल घल दिओ। क्यों? क्योंकि बोलना साडा हक है, असीं आपदे लोकां दे हक च बोलांगे, पंजाब दे हक च बोलांगे, पंजाबियां दे हक च बोलांगे, पाणियां दे मुद्दयां ते वी बोलांगे, केवल ते केवल MSP ते नहीं, क्योंकि सानूं बंदिश लाई जांदी आ। तुसीं किसान जथेबंदी हो, बस किसानी मसले ही आ तुहाडे? नहीं नहीं, असीं बंदे हां, असीं इंसान हां, असीं समाज च रहिंदे हां, समाज दे विच जे कोई समस्या सी उहदे विरुद्ध बोलांगे। तां भगवंत मान ने सरकार दा जलूस कढ्या, अमृतपाल ते केड़े केड़े परचे आ, कृपा करके सरकार दसे लोगों नूं वी इह बड़े वड्डे अपराधी आ, इन्हां नाल तालमेल ना रखियो, इन्हां दी सपोर्ट ना करियो, इन्हां दा नां ना लैयो। सानूं तां इस गल दा नहीं पता लग्गिया जिहदे करके सानूं 10 दिन जेल च लाउणा पए। ते सरकार दी नलायकी आ, मैं सरकार नूं डरपोक वी कहिंदा, प्रशासन कहर है, सरकार डरपोक है। निशानियां की है? निशानियां सुन लो। जदों साडे ते कोई समस्या होवे ही ना, प्रॉब्लम होवे ही ना, ते असीं रौला पाई जाइए भी बड़ा औखा हो गया जी, पंजाब च बड़ी गड़बड़ है जी, ते असीं अमृत शाह दे पैरां च जाके बह जाइए भी थोड़ी जी फौज घल। कादे वास्ते? अमृतपाल नूं फड़न वास्ते। 80,000 बंदा पंजाब दे विच लाया जांदा है ते अमृतपाल फड़िया नहीं जांदा। उहदे ते केस की है? 23-24 26 होगा, 307 लाती होगी। गद्दा यह है जिन दिशा तो भटकी हुई सरकार, कदे तो इन्हों के मन च यह आ जाता है कि राजे हैं यार, कोई गल जी नहीं बनती, हरेक ही बोली जाता है। इस वास्ते थोड़ा डर का माहौल बनाओ, दहशत जी पाओ, फौज लाओ पिंडां दे विच, आ करो तां जो यह दबा के जी रखे जाण। किते अथ ने कह दिंदे आ हुण असीं गुरद्वारिआं दे ग्रंथियां दे आखे सरकार चलावांगे, ते फिर तड़के आपदे अफसर भेजे जांदे आ अकाल तख्त ते। वेखो जी, असीं 360 बंदे फड़े सी, 348 असीं रिहा करते, ते जे तुसीं गुरद्वारे ग्रंथियां दे आखे नहीं सरकार चलाउंदे, ते उहनां नूं जवाबदेही कादे वास्ते देण जांदे आ तड़के? तां इस तों मैनूं लगदा कि सरकार डरी है, उहनां तों संभल नहीं पा रिहा। बोलण ते जे 10 दिन जेल रहना पऊगा तां बई जी जेल भरूगी, बोलांगे वार वार, भावें जेल घल दिओ। क्यों? क्योंकि बोलना साडा हक है, असीं आपदे लोकां दे हक च बोलांगे, पंजाब दे हक च बोलांगे, पंजाबियां दे हक च बोलांगे, पाणियां दे मुद्दयां ते वी बोलांगे, केवल ते केवल MSP ते नहीं, क्योंकि सानूं बंदिश लाई जांदी आ। तुसीं किसान जथेबंदी हो, बस किसानी मसले ही आ तुहाडे? नहीं नहीं, असीं बंदे हां, असीं इंसान हां, असीं समाज च रहिंदे हां, समाज दे विच जे कोई समस्या सी उहदे विरुद्ध बोलांगे। तां भगवंत मान ने सरकार दा जलूस कढ्या, अमृतपाल ते केड़े केड़े परचे आ, कृपा करके सरकार दसे लोगों नूं वी इह बड़े वड्डे अपराधी आ, इन्हां नाल तालमेल ना रखियो, इन्हां दी सपोर्ट ना करियो, इन्हां दा नां ना लैयो। सानूं तां इस गल दा नहीं पता लग्गिया जिहदे करके सानूं 10 दिन जेल च लाउणा पए। ते सरकार दी नलायकी आ, मैं सरकार नूं डरपोक वी कहिंदा, प्रशासन
कहर है, सरकार डरपोक है। निशानियां की है, निशानियां सुन लो। जदों साडे ते कोई समस्या होवे ही ना, प्रॉब्लम होवे ही ना, ते असीं रौला पाई जाइए भी बड़ा औखा हो गया जी, पंजाब च बड़ी गड़बड़ है जी, ते असीं अमित शाह दे पैरां च जाके बहि जाइए भी थोड़ी जी फौज घल। कादे वास्ते? अमृतपाल नूं फड़न वास्ते। 80,000 बंदा पंजाब दे विच लाया जांदा है ते अमृतपाल फड़िया नहीं जांदा, उहदे ते केस की है? 23-24-26 होगा, 307 लाती होगी। गद्दा यह है जी, दिशा तो भटकी हुई सरकार। कदे तो इन्हों के मन च यह आ जाता है कि राजे हैं यार, कोई गल जी नहीं बनती, हरेक ही बोली जाता है। इस वास्ते थोड़ा डर का माहौल बनाओ, दहशत जी पाओ, फौज लाओ पिंडा दे विच, आह करो ता जो ये दबा के जे रखे जाण। कितने अथ ने कह दिंदे हुण असीं गुरद्वारियां दे ग्रंथियां दे आखे सरकार चलावांगे, ते फिर तड़के आपदे अफसर भेजे जाते अकाल तख्त ते। वेखो जी, असीं 360 बंदे फड़े सी, 348 असीं रिहा करते, ते जे तुसीं गुरद्वारे ग्रंथियां दे आखे नहीं सरकार चलाउंदे ते उन्हां नूं जवाबदेही कादे वास्ते देण जाने हो तड़के? तां इस तों मैनूं लगदा है कि सरकार डरी है, उन्हां तों संभल नहीं पा रहा। बोलण ते जे 10 दिन जेल रहना पऊगा तां बई जी जेल भरूगी, बोलांगे वार वार, भावें जेल घल दिओ। क्यों? क्योंकि बोलना साडा हक है, असीं आपदे लोकां दे हक च बोलांगे, पंजाब दे हक च बोलांगे, पंजाबियां दे हक च बोलांगे, पाणियां दे मुद्दिआं ते वी बोलांगे, केवल ते केवल MSP ते नहीं, क्योंकि सानूं बंदिश लाई जांदी आ। तुसीं किसान जथेबंदी हो, बस किसानी मसली आ तुहाडे, नहीं नहीं, असीं बंदे हाँ, असीं इंसान हाँ, असीं समाज च रहिंदे हां, समाज दे विच जे कोई समस्या असीं उहदे विरुद्ध बोलांगे। तां भगवंत मान ने सरकार दा जलूस कढ़िया।